गुरजन निरीक्षण करते हुए गुरजन प्रणाम। और गुरजन ठीक ठाक? हमारे नेपाल के कुछ भाई बंधु मिले और हम जो है कि बैठे हुए हैं इस रूम में। कभी मैं रहा करता था, आजकल ये भाई लोग हैं। ओ देखो ये फोटो है, कपड़े तो अब आप लोगों के हैं, पर पहले ये फोटो है मैं हमारी रूम की थी और आजकल ये भाई लोग रहते हैं और बड़े ही सुंदर रहते हैं ये लोग। देखो साफ सफाई इतनी बढ़िया, तो ऐसे ही और इनका बड़ा प्रेम भी रहता है हमारे साथ। जब तक हमें सर हमारे तरफ आपका कोई कमरे नहीं आएगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हम इज्जत के साथ रहेंगे जी, जितने दिन रहेंगे आपके रूम में इज्जत के साथ रहेंगे। नहीं नहीं, रहते हो आप। जय हो, जय जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। अबे तुम लास्ट में हो, हम आग जला रहे हैं तुमको, वो आग बाद में जलेगा यहां पे। बढ़िया चाचा, आग जलाना पड़ेगा तो तेरे जटल मोर में, तभी तो आग जला रहे लारे शाबाश जगमुला शाबाश। जय जय श्री सीताराम। मित्रों वेलकम टू माय YouTube चैनल काना दसमाना ब्लॉग। और मित्रों ये देखो आप थे सुबह प्रातः कालीन पर गाँव का दर्शन कराणो छो। यो हमारे गाँव छो ग्राम तूली। सबसे पहले प्रकृति प्रदत्त इस खूबसूरत जगत है। देखो बाजी प्रणाम, बाजी ठीक ठाक? ये भी बाजी चीज जो परसान भाई पर वीडियो मकसद दिखाना रही। जय जय श्री सीताराम। मित्रों तो आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी होनी कि आज मैं तो दूसरे दिन चापर गामा और यकजोज की बहुत ही खूबसूरत मौसम हुई। सुबह धूप आ गया, अभी टाइम जोज की 7 बजनी थी, 7:30। और ये देखो सुंदर धूप। और ये चूरू डाल हमारे गाँव। तो मित्रों मैं आज जो की यहाँ पर घर किचन से यहाँ पर शुरुआत करूँ छो। सुबह ये देखो गर्मा गर्म चाय, यो नाश्ता की तैयारी करी आज माता जी। और यो जो खूबसूरत जगह च ये देखो, यो हमार घर च और हमार पड़ोस में भी कुछ लोग रही न, उठे भी आप थे मिलान छो। ये देखो ये सब का सब, जय श्री राम, जय पशुपतिनाथ। क्या कर रहे हैं भोजन? ये देखो जय हो, भोजन करो, भोजन करो। और बढ़िया बढ़िया साहब, आपका आशीर्वाद। सब बढ़िया, जब पशुपतिनाथ का आशीर्वाद है। तो ये देखो मित्रों ये लोग भोजन करना चाहिए। और यो आज आप थे पर घर बैक साइड बटे भी दिखान, यो देखो यो हमारे घर का बैक साइड च।
गदिल भाई टक लगा लैंड सामान वीडियो वायरल हुई सब मुँह देखियो नहीं लिया तो हम बोलिया हाँ ना ना अगर नहीं लिया ना तो हम बोल दिया यो देखो मित्रों भाजी जोच के अभी ये अवस्था में पूरी खेती करी भाजी की इन्नी भाजी अभी भी चुस्त पुस्त पुरुस्त छी और ये देखो सभी डाला बूटा ओ भाजी चल गई पानी चलना ये ठंड में ही पानी पर इन से भाजी जोर तो भाजी जोर की काफी बढ़िया बुझी और यो हमारे गांव का बैक साइड यो आजकल यह जोज के निर्माण चलनू ये जोज की स्वामी राम जी जन्मभूमि च आओ प्रणाम कर दो इन महापुरुषों की जन्मभूमि थे और आजकल ये जोज की निर्माणाधीन च यह किरण छापल स्वामी राम जी और ये देखो ये कुछ नेपाली भाई बंद हमारे ठीक चल रहा है काम ओ तुम्हें भी माँ संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई बहुत बढ़िया अच्छा बेटा और ठीक छा ओ माजिला ठीक छा और जेठा ठीक छा जेठा कांचा मांजला साइला और क्या क्या होते हैं और भेना किसे भेना जीजा होता है ना जीजा हाँ ये मेले भेना बोलते हैं पता नहीं क्यों ये देखो भाई क्या बोल रहे ये देखो ये नेपाल का भाई बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं भाई खा रहे हैं अपना यहाँ पे पंडित है ये रहता है कहाँ रहता है रे ऋषिकेश शिवाजी नगर में और स्कूल कौन सा है सनशाइन पब्लिक स्कूल ये वहाँ पढ़ाई करता है और गांव में आ रखा था आजकल छुट्टियाँ बिताने जैसे ही छुट्टियाँ पड़ती तो तुरंत आ जाना तो घर हाँ ये देखो भाई ये लोग हैं ये बिल्कुल गांव से जुड़े हुए लोग हैं कहीं भी रहें परंतु फिर अपने गाँव लौट के आते हैं तुरंत छुट्टियाँ पड़ती ही तो ऐसा है भाई हमारा उत्तराखंड और ये हमारे उत्तराखंड में हमारे नेगी जी की दुकान नेगी जी बिल्कुल सफाई करते हुए ए देखो किटो भाई तोली वाले किटो भाई तो जो पछाणू जरा कमेंट में बताओ के चंगो लगनू यो मुस्कुराहट लगातार जो है किस पर सुंदर सुंदर और ये हमारा दादाजी ये देखो ऋषिकेश जानू तो ऋषिकेश भगवान के तैयार हुई हूँ हाँ मजा आ गया भाई संचा चाचा देखी तो चाचा के लानते हम कौन ऋषिकेश बटे गंगा जल योला हाँ हाँ तिरवेणी घाट बटे काका जान थे ऋषिकेश में घूमना लक्ष्मण झूला राम झूला देखो यो मैं भी पहले ऋषिकेश पढ़ू छाते 15 साल हाँ काली 15 साल में लबर ऋषिकेश में बिताए थे बाबा काली कमली में हाँ ऐसा करी हमारे काली कमली में तो जो काका के नाम से घूमना का भाई लक्ष्मण झूला झूला राम झूला आपकी घने वापिस फिर एक बात है दिन खास तो पूरा पूरा तैयार हो रखे आ रखे हैं आज तो ये देखो और आज लड़के क्या करते हैं तुम्हारे यहाँ नेपाल में खास जैसे हमारे यहाँ तो गेंद का मेला खेलते हैं और तुम्हारे यहाँ क्या मेला होता है कुछ अरे कुछ खेलते हो तुम आज के दिन पे होते नहीं क्या होता है
यही वाला मकर संक्रांति मेला होते उसमें नाच गान पिंग सब कुछ होते उसमें। अच्छा हमारे यहाँ तो गेंद का मेला होता है सांगोड़ा में, आज दे के आना उसे सतपुरी से आगे। हाँ तिल्ला में, हाँ जी सर, ये सब जा रखे भाई वहाँ। जी सर। तो मित्रों आजकल में जन की आप लोगों से पता चला पर गांव अच्छो, और अभी हम भजन कीर्तन महिलाओं द्वारा सुनना चाहे। और ये देखो ये खूबसूरत जगह, ये हमारा ताऊ जी स्वर्गीय भैगी गजेंद्र दसमाना जी, 4 बटालियन द गढ़वाल राइफल कैप्टन साहब छाई यूं छन छाप उन मकान बनाया। और यूं रस्तों से को मिस करूं जरा बताओ मित अभी, ये नेगी दीक दुकान छ, और पैर मित्रों मेर भी दुकान छाई हम इन्हें दिखो लाप से अभी। तो अब सायकाल हम घूमना का गयो फिर, अब देख दो पहले गांव को कुछ ही ये तो चीज सबसे पहले नेगी जी, ये देखो ये हमारे नेगी जी बात करते हुए कुछ। तो मित्रों यो 1 साल पहले ये फिर मेरी दुकान था ही, जो कि अब मैं बंद कर चुक गयो, और यह कि बटे में अपना ब्लॉग बनान था 1 साल पहले। तो मित्रों फर्स्ट टाइम आप धनी ये बार खालम लाओ था, काफी टाइम बटे पहले बटे नहीं आम यह, तो आज दिखान था आप यह यक से हमार बहुत याद है जोड़ी थी, यक हम कंस खेल लगा दे था पे गुल्ली दागर, गुल्ले हैं सारे। तो आओ ये सबसे पहले हमारे चाचा जी मिले हमें, चाचा जी आपका शुभ नाम। तो ये हमारे चाचा जी नाम राम सिंह जी थे, और ये जो कि या किरण जी और दुदार खाल बटे रिटायर थी 4th क्लास में था आप वक बटे रिटायर थी, और वह एक बावजूद भी यूं था पर घर में रहने पड़िया लोग। हाँ पैसे मिल दिए थे। तो यो च सोनू घर, और इन्हें जो की सर भी घर भी दिखन में, ये देखो बम्बई साबा घर छाये, और यो जितिदा घर च सब अब कोई नहीं रहें देख, ये सब प्लान भै चुक गया, ये सब बन च। और यक जो की मंजीत दा घर च, और ये देखो हमारे एक गढ़वाल में घास ते सेब रखना होना है। ओ इन्हें ये घर में सुंदर हमारे गाँव दिखे, आओ भाई ये देखो आजकल ये जो की कुछ बच्चों ने या कम सुंदर छूती पकाई चाहिए। अरे वाह वाह वाह, कितना चाहिए टोटल, कितना छूती चाहिए गेणी? 13-14-15 यो देख सन्नी सन्नी तू इन्हें आ पहले मेरे बात सुन ले, तू तक पढ़नू चाहिए रेट अकाल। और ये देखो ये बच्चा सब छूत निकालना चाहिए, बहुत प्यारा प्यारा बच्चा चाहिए, नन्ना मुन्ना बच्चा, और ये छूत निकालना चाहिए, निकाले दी। ये देखो भाई ए एक हम तो भी खिला दो जरा भगवान की तरह। दोस्तों ये भरे ये बीज निकली दिखा, ये देखो ये बीज
और यो भाई हम तो हमारे बाहर निकलना चाहिए, बहुत अच्छी बात चाहिए भाई का। दिखाओ रे आप दिखाते दियो कि बीज करी तुम कट्ठा नहीं दिखाने दिखा तो दिखा सब ठीक तुम खा ली कब चाहिए सन का भग चाहिए पहले और ये डालो उपयोग क्या गुरु जी उपयोग एक कि एक अर्सबाना खुना एक पत्ता चिपला ऑयली हो ना हाँ चिप को देखा अच्छा यो अरसों खुने विशिष्ट काम आंदा मर तो तभी तो अच्छा पर... अरे इतने फोन ये क्षेत्र में मेरे ख्याल एक मात्र डाल जो हाँ यार एक मल अटम होएगा ही ना ना पर मिल अगर किए का बीज बरसात हम देख लेते तो कम से कम हजारों बीज हुए यार नहीं अच्छा इन डाला ग्रुप में डेवलप नहीं हुए और ये विकाल प्रयास यो मित्रों ये ब्याले में लाभ थे मकान दिखाई लखपति साहब जी का मकान चाहिए लखपति साहब का बनी लखपति सन 38 समय बता दो मेरे दिखा देखो 1938 समय गुरु जी साग से पता करो तुम साग से पता करो गाँव का तुम तो दोस्तों यू हमारे नाश्ता बनन बैठ गया आज तीसरे दिन से भी थे या तोली में और माँ का तो रोटी तो सब खाई पर पिताजी खाता रोटी कह के खाई कमेंट में जरूर बताया तो यो जो कि एक हमारे मित्र मिल हम थे चन्ना भाई चन्ना यो जो कि लगातार मेहनत लड़का और मेहनत करनू और काफी पैसा कमा दी उन्होंने भाई भी हाँ। क्या सैलरी सारा सैलरी क्या महीने की महीने की लगाओ भाई घर में थे 16-17 पर मेहनत बहुत मंजू मंजू का नाम से काली वाली का नाम मंजू और नाम काली काली भूरा लाली ये लाली और मंजू हाँ जय श्री सीताराम मित्रों। तो मित्रों ये आज मेरे को 3 दिन पूरे हो गए हमारे गांव में और आज मैं जो है कि अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। आज मैं देहरादून पहुँचना चाह रहा हूँ वैसे तो अगर पहुँच गया तो वैसे नहीं तो मैं कोटद्वार पक्का हूँ और आज ये 3 दिन हो गए हमें पूरे। कैसा आपको मेरे साथ यहाँ आके लगा कैसा आपको यहाँ देखने में लगा ज़रूर कमेंट करके बताना और ये एक बार और दिखाओ हमारा गांव कैमरा मैन और ये देखो ये मेरा बैग तैयार है ये अपना बैग तैयार है ये तो भी दादी मैंने इसमें क्योंकि हेलमेट बहुत आवश्यक है भाई तो ये पहना हमने हेलमेट ठंड बहुत है तो इसलिए ये और ये डाला हमने बैग मैं आगे लगा दूं ना ना आगे नहीं पीछे ठीक है दोस्तों तो चलते हैं अच्छा ओके तो दोस्तों आज मैं फिर कोटद्वार पहुंच गयो यो सिद्धबली बाबा का दर्शन करते हुए और अपर ई जर्नी थे ये 3 दिन की यात्रा जो अपर गांव मचाई वे तो यख मैं विराम करूँ। जय जय श्री सीताराम।